वेलकम क्लास 12 टू द इकोनॉमिक्स क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. इन दिस चैप्टर वील कंसीडर आवर सेल्फ एज अ प्रोड्यूसर. इट मीन्स वाइल रीडिंग दिस चैप्टर वील थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ प्रोड्यूसर. इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमें अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर मानना है, क्योंकि हम प्रोडक्शन करने वाले हैं. नाउ विल रीड इन चैप्टर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन. होता क्या है प्रोडक्शन? व्हाट आर द थिंग्स विच आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन? आपको प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एंड व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज इनपुट, what is the meaning of function, all this thing we'll read in this chapter. First of all, how does production take place? Production kaise hota hai? Production is a result of cooperation of four factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. Production karne ke liye hame four factors ki, फोर कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है. वो है लैंड. कहीं प्रोडक्शन करना है आपको तो आपको लैंड का जरूरत पड़ेगी. लेबर भी चाहिए आपको. लेबर ऑफ टू टाइप, फिजिकल लेबर करते हैं और जो मेंटल लेबर करते हैं, आपको दोनों चाहिए. कैपिटल इज अ मस्ट. कैपिटल तो आपको जरूरत पड़ना ही है. एंड एंटरप्रेन्योर मीन्स द पर्सन हु ओन्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक, ओनर, हु मैनेज ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इन सबको मैनेज करता है, वो हुआ आपका एंटरप्रेन्योर, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को प्रॉफिट के लिए करता है. एंड दीज फैक्टर्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन इज नोन एज इनपुट्स. ये सब चीज़ें जो हमको प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जिनका हेल्प करके हम प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनपुट्स बोलते हैं. लाइकवाइज अब अगर हमें ब्रेड बनानी है तो ब्रेड के लिए जो फ्लोर चाहिए हमें, जो शुगर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, यीस्ट चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब क्या है? हमारे इनपुट्स हैं. और उनको यूज़ करके जो हमने ब्रेड बनाया वो क्या है? हमारा आउटपुट. नाउ व्हाट वी डू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस में होता क्या है? Now, in the process of production, utility of input is increased. Means value of input is increased. Production process में utility बढ़ जाती है. किसकी बढ़ जाती है? Inputs की बढ़ जाती है. Utility आपने पहले पढ़ा हुआ है, in the previous chapter. Utility क्या है? Want satisfying power of a commodity is known as utility. वो चीज़ जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारे लिए इसकी यूटिलिटी है. तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इनपुट्स हम यूज़ करते हैं उनका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है. सपोज़ आपका एक रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री है, तो आपने जो इनपुट्स यूज़ किए उसके लिए, मेनली जो कॉटन है वो यूज़ किया, उसको यूज़ करके आपने क्या बनाया? शर्ट बनाई, एक कॉटन की शर्ट बनाई. अब किसका वैल्यू ज़्यादा है, उस कॉटन का या फिर उसके उससे बनाई हुई शर्ट का? ओबियसली शर्ट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है शर्ट. कॉटन हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं है जितना कि वो कॉटन शर्ट है. तो इनपुट का वैल्यू यानी कॉटन का वैल्यू बढ़ गया. कैसे बढ़ा? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं आते तो कॉटन का वैल्यू नहीं बढ़ता. लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जितने भी हम इनपुट्स यूज़ करते हैं सबका वैल्यू क्या हो जाता है? इन्हेंस्ड हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है. सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ इनपुट इज इंक्रीज्ड और एनहेंस, राइट? यू गॉट इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट? इनपुट क्या होता है? इनपुट वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो रॉ मटेरियल होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करके हम प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं.
जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल हो गया, पावर हो गया, फ्यूल हो गया, ये सब क्या है, हमारे इनपुट्स हैं। इनका यूज़ करके फिर हम आउट प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है, फिनिश प्रोडक्ट बनता है, डेट इज़ द आउटपुट। अब डेफिनेशन ऑफ आउटपुट, द फिनिश प्रोडक्ट विच इज मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज आउटपुट। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो लास्ट में जो फिनिश प्रोडक्ट हमें मिलता है, जिसके लिए प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो क्या है, आउटपुट। वी कैन सेल आउटपुट इन द मार्केट, जो भी आपके पास आउटपुट है उसको आप मार्केट में आराम से सोल्ड आउट कर सकते हो। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर यूज्ड टू मेक आउटपुट। प्रोडक्शन प्रोसेस में हम इनपुट को यूज करके हैं और इसको यूज करके क्या बनाते हैं, हम आउटपुट को बनाते हैं, राइट। व्हाट वी डू इन प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या करते हैं, वी यूज इनपुट टू मेक आउटपुट। इनपुट का यूज करके हम आउटपुट बनाते हैं। नाउ व्हाई डू वी प्रोड्यूस, हम बनाते क्यों हैं। प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है। नाउ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा सप्लाई होगा, ठीक है। तो हम डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन अगर इंक्रीज है तो हमारी सप्लाई भी ज्यादा होगी और इंक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जैसे हमने पढ़ा था, दिस रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, दिस रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, लाइकवाइज दिस ऑल्सो रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इन दोनों में भी रिलेशन है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। टेक एन एग्जाम्पल, सपोज आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो व्हाट डू यू, क्या करोगे, यू डू हार्ड वर्क, मेहनत करोगे, ठीक है, स्टडी करोगे फॉर 2 hours, 3 hours, 5 hours एज पर योर कैपेसिटी, आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हो। तो जो आप लेबर यूज कर रहे हो, जो आप मेंटल लेबर यूज कर रहे हो, जो आप मेमोराइज कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, वो सब क्या है, आपका इनपुट है। और क्यों यूज कर रहे हो ये सब कुछ, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, आउटकम के लिए, रिजल्ट के लिए। तो जो रिजल्ट आपका आएगा वो क्या होगा, आपका आउटपुट होगा, ठीक है। तो आपकी जो मेहनत है वो आप क्या है, आपका इनपुट है, और उसी जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा। अब यू कैन इजीली रिलेट, अगर इनपुट आप इंक्रीज करेंगे, यानी मेहनत ज्यादा करेंगे, स्टडी आवर्स को इंक्रीज कर देंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट ऑल्सो विल इंक्रीज। तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, मीन्स आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। मेहनत कम करी है आपने, स्टडी बहुत कम की है आपने, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट कैसा आएगा, डेफिनेटली ऑल्सो डिक्रीज, वो भी कम हो जाएगा। इनपुट विल इंक्रीज, आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड इफ द इनपुट विल डिक्रीज देन आउटपुट विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। तो इनपुट एंड आउटपुट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नाउ दीज आर टू वेरिएबल, वन इज इनपुट एंड अदर इज आउटपुट। वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन अदर, एक वेरिएबल है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। इनपुट कैसा वेरिएबल है, डेट इज इनडिपेंडेंट वेरिएबल, और आउटपुट कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। आउटपुट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इनपुट। आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, इनपुट के अंदर। इनपुट इंक्रीज हो गया तो आउटपुट भी इंक्रीज हो गया, इनपुट डिक्रीज हो गया तो आउटपुट भी डिक्रीज हो गया। सो विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल, आउटपुट, एंड विच इज इनडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज द इनपुट। हैव यू गॉट दिस, इनपुट एंड आउटपुट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट, आउटपुट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनपुट इज इनडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है,
Function is a mathematical term meaning quantitative relation between two factors. One is dependent and other is undependent. Function एक क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है दो वेरिएबल के बीच में, जो एक डिपेंडेंट है एंड अदर वन इज इंडिपेंडेंट. नाउ द वीडियो विल बी टू लॉन्ग. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी प्रोवाइडेड यू सून. टिल नाउ इतना ही. नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस शब्द.